हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं आपको दिखाने वाली हूं एक आई शेडो, वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो, जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज की है। तो आप देखिए, मैंने ये आई लुक उसी से क्रिएट किया है। देखिए, मुझे आई शेडो लगाना नहीं आता है, ये मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी कलर्ड आई शेडो अप्लाई की है। वरना मैंने आपको भी अपनी लास्ट एक मेकअप ट्यूटोरियल में भी दिखाया था कि मेरे पास एक छोटी सी आई शेडो थी वेट एंड वाइल्ड की, उसमें दो चार आई थिंक चार कलर्स हैं, बस मैं उनको ही थोड़ा बहुत लगा के ना अपना मेकअप थोड़ा सा कंप्लीट कर लेती थी। लेकिन ये कलर्ड आई शेडो मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है। आप प्लीज़ बताइएगा कि ये कैसी लग रही है, ये सही लगी है या नहीं लगी, क्योंकि मैं भी अभी आई शेडो लगाने में बिगनर हूँ, मुझे लगाना नहीं आता है आई शेडो। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। वो आई शेडो है ये वेट एंड वाइल्ड की आई शेडो है। ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरा शेड है रोज इन द एयर, इसका सबसे ब्यूटीफुल शेड है ये। देखिए आप कितने प्यारे इसके अंदर कलर दिए हुए हैं। दो आपको ट्रांजिशन शेड मिल जाते हैं और बाकी सभी आपको कलर मिलते हैं। ये और ये दोनों शिमर है, आप शिमर भी यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अपनी आईज पे शिमर भी ट्राई किया है, तो इसमें इतने ब्यूटीफुल से शेड है कि ये तो मस्ट हैव है। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये मुझे 360 में मिल गई है। और वैसे इसका प्राइस है 499 रुपीज की, अराउंड 500 आपको ये मिलेगी, लेकिन मुझे उस पर डिस्काउंट में ये 326 में मिली है। और मैंने सिर्फ यही प्रोडक्ट मंगाया, इसलिए मुझे उसमें शिपिंग चार्जेस भी एक्स्ट्रा देने पड़े। तो मेरा ये प्रोडक्ट 366 में मेरा ये प्रोडक्ट आया है और नेक्स्ट डे ही डिलीवरी हो गई थी इसकी। आप ये देखिए, मुझे सिर्फ 24 घंटे से भी पहले ये मेरे पास आ गया था। तो इसमें मेरा शेड रोज इन द एयर है, वो मैंने आपको बताई दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, और ये बहुत अच्छा है, इस पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है मुझे, मतलब जो बहुत नॉइस है बाहर, जो वेट एंड वाइल्ड की वो मैंने आपको पहले जो मैंने आई शेडो दिखाई थी उसका पिगमेंटेशन बहुत लाइट है, आपको पता भी चलेगा। लेकिन आप इसका पिगमेंटेशन देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जब मैंने तैयार होने के बाद मैंने इसको यार ट्राई किया, तो मैंने वो भी क्लिपिंग इसमें ऐड की है। आप प्लीज उसको देखिए, पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपसे और बातें करेंगे। अब मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ। इस आई शेडो पैलेट को मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि मुझे इससे कैसा लुक मिला, क्या लगा। तो आप इसके कलर्स देखिए, पहले कितने प्यारे इसके कलर हैं। टू इसमें ट्रांजिशन शेड्स दिए हुए हैं, बाकी इसमें ये शेड दिए हुए हैं। तो इसमें आपको शिमरी शेड मिल जाएंगे, आप शिमरी लुक इससे अपनी आईज पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ट्रांजिशन शेड। ट्रांजिशन शेड कहाँ पे लगाते हैं? आपकी जो ये आईब्रो होती है और आपकी ये आईलिड होती है, इसके बीच का जो एरिया है ये ट्रांजिशन एरिया कहलाता है। तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे टू शेड्स मिल गए हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो, अगर आप बिल्कुल लाइट लुक देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल लाइट लुक भी दे सकते हैं अपनी आईज को, क्योंकि ये कलर्स थोड़े से पाउडरी हैं। तो आप जब भी इनको यूज करें ना, एक बार आप अपने ब्रश को इस तरह से कर लीजिए, जिससे कि आपकी जो एक्स्ट्रा डर्ट होगी वो निकल जाएगी और आपके फेस पे तो ये थोड़ा बहुत तो आएगा, क्योंकि ये पाउडरी फॉर्मूला है, लेकिन पिगमेंटेड बहुत अच्छे से है। आज मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। मुझे कोई आई शेडोज लगाने इतनी परफेक्टली नहीं आते हैं, बस मैं भी आज फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रही हूँ। देखिए आप, मेरी क्रीज बिल्डअप हो चुकी है, अब मैं यूज करूंगी कलर को। तो कलर मैं आपको बताती हूँ, मैं यूज करने वाली हूँ आज ये वाला मर्जेंटा शेड यूज करने वाली हूँ। इसमें मैं इसको मैं अपने आईलिड के ना आउटर कॉर्नर पे लगाऊंगी, मैं पूरी आईलिड पे इसको नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर पे ही इसको लगाऊंगी। देखिए आप कितना अच्छा, आप इसको डार्क भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इसको पूरी आई में ब्लेंड नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको आउटर कॉर्नर पे ही रखा है, क्योंकि मैं इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही चाहती थी। तो आप चाहे तो आप पूरी आई लिड पे इसी को अप्लाई कर सकते हैं, देन ग्लिटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही इसको रखा है। अब आप देख सकते हैं,
अब मैं अपनी आउट यहाँ पे इनर कॉर्नर पे मैं गोल्डन शिमर लगाऊंगी। शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला शेड मैं लगाने वाली हूँ। और ये आप मेरे इतने छोटू से ब्रश देख रहे हैं, ये पुणे स्टोर के हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लगाया और कितना शिमरी शिमरी लुक आ गया। अब मैं थोड़ा सा जो मेरा पहले वाला कलर था ये पिंक जो मैंने लगाया, इससे मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड करूंगी, ज्यादा मैं ब्लेंड नहीं करूंगी वरना दोनों कलर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ गया है, साइड में पिंक आ गया है। और मुझे यार इतने अच्छे से लगाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। और अब मैं अपनी यहाँ ये जो है इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी आई शेडोज खिल के आती है, बिल्कुल एकदम निकल के आपका कलर आता है कि, तो आप इसको तो जरूर आप, अब आप देख सकते हैं फॉल आउट बहुत होगा आपको, तो आप प्लीज उसको ब्रश से आप अब मैं अपनी दूसरी आईज को भी कंप्लीट करके तब आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मैंने आई शेडो मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैंने लाइनर और मस्कारा वगैरह ये सब चीज़ें लगा ली हैं। तो फॉल आउट बहुत होता है, ये पाउडरी फॉर्म में है तो फॉल आउट बहुत होगा आपको। यहाँ पे आप बाद में पाउडर से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, किसी भी मेकअप ब्रश से आप उसको साफ कर सकते हैं, क्लीन हो जाएगा आपका। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने लगाया और आपके चेहरे पे कोई भी आपको ऐसे पिगमेंट कर देगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। या आपको हटाने के लिए कुछ वाटर वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिंपली पाउडर लगाया और ये बिल्कुल क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं। और पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, आप देखिए बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन, बहुत डार्क है। और मैं इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूंगी और अलग अलग मेकअप लुक आपके लिए लेके आऊंगी, एक इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। अगर देखते हैं मतलब अगर मुझे सक्सेस रहा तो हो सकता है मैं कर पाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वैसे ये आई शेडो है बहुत अच्छी, आप इसको प्लीज डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रेगुलेट तो बिल्कुल फील नहीं करेंगे क्योंकि पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। और जो लोग परफेक्ट है करने में वो तो इससे अलग अलग मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग आईज आपकी डिफरेंट लुक में लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी और बहुत अच्छा है और इजीली निकल भी जाता है। क्योंकि मैं इससे पहले एक बार आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले खुद भी मैंने इसको ट्राई किया था जब ये आई थी, तो बहुत इजीली निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज्यादा रब करना पड़ेगा या कोई भी मेकअप रिमूवर या कुछ भी आपको यूज कर, आप सिंपली पानी में एक कॉटन हल्का सा डिप करेंगे और ये निकल जाएगा आपका, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। पाउडर फॉर्म में लेकिन लग जाता है, बस आप जब भी ना इसको यूज करें तो अपने ब्रश को एक बार थोड़ा सा टक टक करके थोड़ा सा इसको ना कहना चाहिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट झड़ जाएगा आपका, तो आप तब उसको यूज कीजिए वरना वो ज्यादा फॉल आउट होता है। तो इसलिए आप इसको इस तरह से आप कर लीजिए, लेकिन वरना बाकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है और आईज में कोई भी किसी तरह की कोई इचिंग वगैरह मुझे फील नहीं हो रही है और अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, इस टाइम तो सेल भी बहुत अच्छे से चल रही है। फ्लिपकार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज देख लीजिएगा। इसमें चार शेड आते हैं आई थिंक, और सबकी आपको मैं सब पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये इतनी भी छोटी नहीं है यार, इतनी ही है और प्रोडक्ट क्वालिटी ठीक है इसमें। और सब कुछ आपको पीछे भी मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं सब कुछ पीछे मेंशन किया हुआ है। 3 साल की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है और लेटेस्ट डेट की आई है ये। ये अच्छा कलर है, इसमें और भी न्यूड शेड्स भी हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर यही था मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरा आई मेकअप लुक अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और बेल बटन को हिट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लुक के साथ में। टिल देन, बाय गाइज़।